हेलो वेलकम टू माय चैनल बिंदु बायोलॉजी एकेडमी आज हम डिस्कस करेंगे टर्म वन सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और टर्म वन में जो क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आने वाले हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे चलिए बिल्कुल देर न देर न, न नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर वन करेंगे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लारिंग प्लांट्स चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन द फंक्शन ऑफ टैपीटम इन माइक्रोस्पोरिंजियम इज अगर हम बात करें माइक्रोस्पोरेंजियम की तो कुछ इस तरीके की डायग्राम होती है राइट ठीक है तो इसमें जो है आपका ये आपका बीच वाला स्पोर स्पोरजीनियस टिश्यू होता है एंड उसके बाहर में एक लेयर होता है डैट इज नोन एज टैपिटम तो इनका मेनली जो फंक्शन होता है इट नरिशेज द डेवलपिंग पोलन ग्रेन तो इसका राइट right आंसर क्या होगा ए ठीक है चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन आइडेंटिफाई द ए एंड बी इन द गिवन डायग्राम ऑफ द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द यंग एंथर तो यहाँ आपको एक माइक्रोस्पोरेंजियम की डायग्राम दिखा रखी है इसमें ए जो है डैटिसनियस टिश्यू होगा एंड बी जो है वो होगा टैपिटम सो so इसका जो राइट right आंसर होगा दैट इज बी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड द एग ऑपरेटर इन द एम्बियो सैक कंसिस्ट ऑफ एग ऑपरेटिस की बात करें तो एग ऑपरेटस कुछ इस साइड का इस टाइप का रहता है तो यहाँ पर दो जो होते हैं ये आपके टू सिंडरगेट्स होते हैं यहाँ फिर से मैं बना लेती हूँ ऐसे होता है दो सिंडरगेट होते हैं नीचे की ओर और, और एक एक्सेल होता है तो ये आपका सही जो आंसर है ये होगा टू सिर एंड वन एक्सेल राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर फिलीफॉम एपरेटस ये भी जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर ज़्यादातर आपने देखा कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है एग से लिए जा रहे हैं तो उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना तो यहाँ आपका देखोगे इसमें भी जो है ये नीचे जो होता है दो सिनरगेट होता है और एक एक्सेल होता है उसको गाइड करने के लिए जैसे पोलन ग्रीन्स आते हैं पोलन ग्रीन्स जो है माइक्रो माइक्रोपाइल से आते हैं पोलन ग्रीन जो मेल गैमिटोफाइट जो है माइक्रोपाइल से एंटर करता है थ्रू ऑन इन ओवरी तो इसको एग तक पहुंचाने के लिए मेल गैमिट्स को एक तक पहुंचाने के लिए कौन हेल्पफुल uh, होता है दैट इज़ फिलीफॉम अप्रेट तो इसका सही आंसर देख लेते हैं इट इज़ लोकेटेड एट कैलेजल एंड नो इट इज़ लोकेटेड एट माइक्रोपेलर एंड येस दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पॉलिन्यूब इंटू दर सिंडगेट तो इसका सही आंसर होगा बोथ बी एंड सी ठीक है नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़ा लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर फाइव आइडेंटिफाई द ए एंड बी इन द फॉलोइंग डायग्राम ऑफ द मैच्योर पॉलन ग्रीन ठीक है चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आइडेंटिफाई द ए एंड बी इन द गिवन डायग्राम इसमें आपको ये जो डायग्राम दे रखा है ये पोल ग्रीन्स का डायग्राम दे रखा है इसमें आपके पोलिन ग्रीन्स के दो पार्ट होते हैं इज़ फर्स्ट है ए पार्ट जो है आपका ये हो जाएगा आपका वेजिटेटिव सेल्स वेजिटेटिव सेल्स लार्ज होता है एंड बी जो होगा वो जेनरेटिव सेल वो स्मॉल होता है राइट चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द टर्म्स इन कॉलम वन विथ आइटम इन कॉलम टू ऑटोगी ऑटोगी का मतलब होता है सेल्फ मैरिज यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन तो वह देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रीन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर येस तो ये आपको मैच कर रहे हैं राइट right? तो so, ये आपका सही है ऑटोगेमी इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रीन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर जीटनोगी जीटनोगी क्या होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रीन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट ठीक है एंड जीनोगेमी इट इज़ अ टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रीन फ्रॉम द इंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ़ द सिमिलर टाइप दैट इज नोन एज जीनोगैमी तो ये ध्यान रखना ऑटोगैमी एंड जिट दे आर द टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एंड ये जो जीनोगैमी है डेट इज़ अ टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन और ये ध्यान रखना इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन है और सेल्फ पॉलिनेशन में जो टर्म्स है जैसे डैट इज ऑटोगैमी क्लिस्टोगैमी होमोगैमी जेटनोगी या फिर क्रॉस पॉलिनेशन की टर्म है डाइक्लाइनी डाइकोगैमी हरकोगैमी सेल्फ इनकमिलिटी या फिर हेट्रोस्टाइली तो ये सब टर्म्स आपको एकदम टिप्स पे रहना चाहिए इससे कोई भी क्वेश्चन उठा के डाल देंगे राइट चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अगेंस्ट ए एंड बी आपको ये डायग्राम दिख रहा है डेट इज़ फ्रॉम द एपरेटस ठीक है तो आपको ये जो दिख रहा है तो ये आपका हो गया ये इसका सेवन का होगा बी डैट मीन्स ये है आपका ए पार्ट जो है आपका एंटी ये पूरा एमब्रियोस है इसका ये जो इधर वाला पार्ट है एंटीपोडल्स है ये एंटीपोडल्स है ठीक है एंड जो बी पार्ट है डेट इज एग ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मेजोरिटी ऑफ द एन जी मेजोरिटी ऑफ एनजीओ स्पॉम में क्या होता है तो एग हैज फाइव एंटीपोडल्स नहीं थ्री होते हैं डिडक्शन रिवक्शन आर्कर्स इन मेगोस मेगस मदर सेल्स ये होता है ये एन जी में ये होता है तो ये आपका सही ऑप्शन है ठीक है जो आप और उसके बाद में और भी ऑप्शन देख लेते हैं और स्मॉल सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट इन एमबीएस एप एक नहीं होता दो होते हैं सेंट्रल सेल एग एग है फिलीपॉम एपार्ट फिलीफॉम एटस है होता है लेकिन मेन जो है आपका रिडक्शनल रिविजन होता है राइट चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम चूज द ऑर्ड वन आउट वेजिटेटिव सेल एंड टाइन सिनरगेट जो पोर इनमें से जो है वेजिटेटिव सेल्स इट इज़ अ टाइप ऑफ ये जो वेजिटेटिव सेल्स इट इज अ ट ये जो मेल गैमेटोफाइट से है यानी पोल ग्रीन का पार्ट है एंड टाइन इज ऑल्सो पोल ग्रीन का टाइप है पार्ट है एंड जो पोर भी पोलिन ग्रीन का पार्ट है एंड बसता है सीनरगेट दैट इज प्रेजेंट इन एगरप्रेटिस तो ये फीमेल गेमेटोफाइट का पार्ट है तो ये ऑड वन आउट हो जाएगा राइट right? चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम इन द गिवन डायग्राम लेबल द पार्ट ए एंड स्टेट फंक्शन तो आपको जो लेबल किया हुआ है पार्ट पार्ट ये ये ए इसको बताना है दैट इज कॉटिलिडन इट कंटेन द रिजर्व फूड मटेरियल दैट आर यूज बाय एम्ब्रियो कॉटिलेडन में क्या होता है रिजर्व फूड मटेरियल होता है जो कि एम्ब्रियो यूज़ करते हैं फॉर देयर नरिशमेंट जब सीड्स अकेला रहता है तो ये कॉटिलेडन ही उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते रहते हैं इसीलिए सीड्स मरते नहीं हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम द म्यूसाइट ऑफ राइस हैज़ 24 फोर क्रोमोजोम्स द नंबर ऑफ क्रोमोजम इन इट्स एंडोस्पम इज राइस के म्योसाइट में ट्वेंटी फोर हैं तो अब हम देख लेते टू एन इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर अगर हम एन की बात करें तो ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा यानी कि ट्वेल्व राइट ये आपका आ गया तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम एनिट्स एंडोस्पाम अब इसके एंडोस्पॉम में कितना क्रोमोजोम uh, होगा तो आपको एंडोस्पॉम का पता है एंडोस्पाम जो है तो ट्रिप्लॉयड होता है थ्री एन होता है दैट मीन्स दो पोलर न्यूक्लियाई एक मेल न्यूक्लियस एक मेल न्यूक्लियस के साथ कंबाइन होते हैं तब ये बनता है थ्री एन तो अब ये ट्वेल्व आया ट्वेल्व आया ट्वेल्व इन टू थ्री कर देंगे तो क्या हो जाएगा थर्टी सिक्स ठीक है तो ये आपका आंसर होगा थर्टी सिक्स तो ये ध्यान रखना आपको पहले इसका एन नंबर निकला दे, निकालेंगे एप्लॉयड देन एंडस्पॉम में जो है ट्रिप्लॉयड होता है तो उसका फिर हम सिक्स से थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमारा आंसर आ जाएगा राइट तो इसका सही आंसर जो होगा डैट इज थर्टी सिक्स ठीक है इसका सही आंसर थर्टी सिक्स होगा चलिए आगे बढ़ते हैं हम द कॉमन फंक्शन ऑफ द न्यूसिलस एंड कॉटिलिडन इज देखो कॉटिलिडन का काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना उसी तरीके से न्यूसिलस जो होता है न्यूसिलस दैट इज़ प्रेजेंट इन ओवरी फॉर नरिशमेंट टू द ये ओव्यूल और ओवरी राइट नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए तो ये जस्ट एगरप्रेटिस के ऊपर में होता है ये कैलेजल एंड में होता है इनका काम दोनों का मेन काम है नारिशमेंट प्रोवाइड करना तो आंसर इसका होगा नारिशमेंट राइट चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टीन अ बायलोब डाइथिकस एंथर हैज फाइव हंड्रेड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स पर माइक्रोस्पोर हाउ मेनी मेल गैमिटोफाइट्स कैन दिस एंथर प्रोड्यूस अब देखो ये हैं मेल गैमिटोफाइट राइट मेल गैमिटोफाइट बायलोब्ड है दो लोब है इसमें डाइथिकस एंथर तो ये इसके चार इसके अंदर में होंगे लोक्यू राइट ठीक है इसमें जो है एक की बात कर रहे हैं तो एक के एक में है 500 हंड्रेड एम एम सी माइक्रोस्पोर मदर सेल और ईच एम एम सी यानी कि एक एम एम सी जो प्रोड्यूस करता है वो फोर फोर ग्रेन्स यानी कि माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं फोर ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं ठीक है तो फोर प्रोड्यूस करता है तो इसी तरीके से फाइव हंड्रेड है माइक्रो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स तो वो इंटू फोर कर देंगे तो हो जाएगा फाइव फोर जो ट्वेंटी दैट्स मीन टू थाउजेंड तो एक में आपके आ गया टू थाउजेंड टू थाउजेंड आपका आ गया माइक्रोस्पोर या फिर ग्रेन तो वैसे ही चार में कितना हो जाएगा टू थाउजेंड इंटू फोर तो फोर टू जा एट एट थाउजेंड मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस हो जाएगा ठीक है तो ये ध्यान से क्वेश्चन करना इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा बायोलॉग्ड है डाइथिकस इंथर है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ़ द स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉटलिडनेस एम्ब्रियो डाइकॉटलिडनेस एम्ब्रियो में करेक्ट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है पहले बनता है जाइगॉट उसके बाद में ऐसे हार्ट लाइक स्ट्रक्चर बनता है प्रो एम्ब्रियो जिसको बोलते हैं फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है फिर मेच्योर एम्ब्रियो बनता है तो अब इसका डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट देख लेते हैं द थ्रिक थिक फ्रूट वॉल इज ऑल्सो कॉल्ड थिक जो फ्रूट वॉल होता है फ्रूट वॉल उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं पेरीकार्प क्या बोलते हैं पेरीकार पेरिकार्प के तीन पार्ट होते हैं एक तो होता है एप्पी मीजो और एंडोकार्प ठीक है तो ये आपका थिक जो फ्रूट वॉल होती है बाहर की उसको हम पेरिकार्प कहते हैं ठीक चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन मैच द आइटम इन कॉलम वन विद द आइटम इन कॉलम ट्यू राइट इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे रिमेन्स ऑफ न्यूसिलस इन अ सीड अगर किसी सीड में न्यूसिलस प्रसिस्टेंट होता है उसको हम बोलते हैं पेरी स्पौंग.

That is known as cutulum. Okay. And uh, uske baad mein form next hai apka. last one. Occurrence of more than one embryo in a seed. That is known as polyembryony. That is known as polyembryony. Poly many. Embryony means embryo. So, th this is all about this. Master column. Now, we will move to the next question. क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन बेचा द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथड टू प्रिवेंट ऑटोगेमी इन प्लांट्स ऑटोगेमी को प्रिवेंट करने के लिए ऑटोगेमी मतलब सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए इसमें से कौन सा एक मेथड नहीं है पोन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसिप्टिविटी आर नॉट सर्कुलराइज यानी कि अगर पोलन ग्रेन और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी ये दोनों इनकी टाइमिंग अलग अलग हो ये मतलब ये दोनों जो है अलग अलग टाइमिंग पे हो रहे हैं तो वो ऑटोगी को प्रिवेंट करते हैं राइट एंथेन्स स्टिग्मा एट प्लेस एड डिफरेंट पोजिशन ये भी ऑटोग्रामी को प्रिवेंट करते हैं सेल्फ इनकम्पैटबिलिटी ये भी ऑटोग्रामी को प्रिवेंट करते हैं बायोसेक्सुअल फ्लावर इसमें ऑटोग्रामी ये ऑटोग्रामी को प्रिवेंट नहीं कर रहा है तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा राइट चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर एटीन द माइक्रोस्पोर्स आर जनरली फॉर्मड इन अ क्लस्टर ऑफ फोर फोर के क्लस्टर में होता है माइक्रोस्पोर्ट्स राइट चलिए आगे बढ़ते हैं द हॉल ऑफ स्ट्रक्चर डेट इनक्लोजेज द लीव प्राइमोडिया इन द इन अ ग्रास इज एम्ब्रियो इज कॉल्ड द केलपिटाइल लियोपिटाइल यस ये तो सही है हॉल ऑफ स्ट्रक्चर डेट इनक्लोज द लीव प्राइमोडिया इन ग्रास ग्रास इज नोन एज केलोपिटाइल इन एप्पल द थैलोम ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द फ्रूट फॉर्मेशन दैट्स

द टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन द fertilized ovule of ऑफ एन plant प्लांट टू सप्लाई फूड एंड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग is जो टाइप ऑफ टिश्यू जो प्रेजेंट होता है एनजिस प्लांट में जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं हम एंडोस्पर्म ठीक है आगे बढ़ते हैं हम चलिए अब क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं चलिए अब कर लेते हैं ऑशोसन एंड रीजन बेस्ड बेस्ड क्वेश्चन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अब जो पैटर्न चेंज हो गया है एम सी क्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे ऑशोसन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे एंड केस बेस्ड स्टडीज आएँगे राइट तो हम देख लेते हैं पहले अशोषण दे रखे देर आर अ फ्यू स्पीसीज ऑन द प्लाट्स इन विच द फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन येस कुछ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स है जिसमें कि फ्रूट जो है बिना फर्टिलाइजेशन के होते हैं तो इसको हम बोलते हैं पार्थिनो कार ठीक है फ्रूट्स आर सीडलेस तो ये सही है इसका तो बोथ ऑरसोशन एंड रीजन आर ट्रू बिकॉज फ्रूट्स डेट आर डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन रिमेन सीडलेस ठीक है चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन इन एपोमेक्सिस प्लांट ऑफ न्यू जेनेटिक वेरिएशंस आर नॉट प्रोड्यूस ठीक है तो ये तो सही है हमारा अवशोषण तो सही है एपोमिकसिस प्लांट में कोई भी न्यू जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस नहीं होते क्यों नहीं प्रोड्यूस होते क्योंकि बिकॉज ऑफ द सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट सो देर इज नो जेनेटिक नो न्यू जेनेटिक वेरिएशंस आकर एंड रीजन इसका दे रखा है इन एपोमिकसिस रिडक्शनल डिविजन टेक्स प्लेस तो ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है और सेशन ट्रू uh, है एंड ये जो एपेक्सिस में रिडक्शनल रिविज़न नहीं होता है तो ये आपका गलत है ठीक है रीज़न इसका गलत है हमारा ऑप्शन सी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मेगास्पर मदर सेल अंडरगोस म्योसिस टू प्रोड्यूस फोर हैप्लॉयड मेगास्पोर्स मेगास्पोर मदर सेल्स म्योसिस होता है उसमें तो फोर हैप्लॉयड मेगास्पोर्स बनाते हैं फीमेल गेमिटोफाइट इज प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर तो चार बनते हैं चार में से एक जो है मेगस्पोर जो है वो फंक्शनल होता है राइट तो ऑपरेशन एंड रीज़न दोनों ही करेक्ट है बट रीज़न जो है इसके मैच नहीं हो रही अवसर्शन से ठीक है तो दैट इज इसका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा इसका ऑप्शन हमारा होगा अवसर और रीजन दोनों ट्रू है लेकिन दिस uh, रीज़न इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम द पॉल ग्रीन रिप्रेजेंट द मेल गोलन ग्रीन आर शेड एट फोर सेल्स टेज राइट तो इसका ये जैसे बहुत असर्शन एंड रीजन आर ट्रू है या फिर बहुत असर्शन एंड रीजन आर ट्रू तो या फिर ट्रू बट रीजन ए फॉल्स तो पॉलन ग्रीन रिप्रेजेंट द मेल गमेटोफाइट ये तो आपका सही है अगर इसकी बात करिए तो असर्शन तो सही है लेकिन रीज़न जो है पोल ग्रीन आर शेडेड फोर सेल स्टेज नहीं दो या तीन सेल स्टेज पे ही वो गिर जाते हैं तो इसका रीज़न जो है फॉल्स है तो शर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव एग्जाइन इज मेड अप ऑफ स्पोरो पोलिन ठीक है एंड रीज़न है इसका पॉलन ग्रीन्स आर वेल प्रिजर्वड एज फॉसिल्स ठीक है तो इसमें बोथ अशर्सन एंड रीजन आर ट्रू एंड दिस रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अशर्सन यानी कि फोस्ट होगा क्यों होगा बिकॉज ऑफ द स्पोरोपोलोनिन इन द एग्जाम ग्रीन फॉमेट्स फॉसिल्स स्पोरोपोलोनिन जो है बहुत दिनों तक ये स्पोरोपोलोनिन के वजह से ही जो ग्रीन uh, से बहुत दिनों तक मरते नहीं हैं एक टफ कोट रहता है जिसके कारण वो uh, के अंदर से जो पॉलन ग्रीन जिंदा रहते हैं एंड वी कैन प्रिजर्व इट एज फॉसिल्स राइट चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स एज अ सीड मिच इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस एंड सीड्स बिकम रिलेटिवली ड्राई ठीक है माइक्रोपाइल फेसिलेट द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इंटू द सीड ड्यूरिंग जोमिनेशन ठीक है तो इसका जो है आपका बहुत असर्शन एंड रीजन आर ट्रू दोनों रीजन ट्रू है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असरशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन अव्यूल ट्रांसफॉर्म इंटू सीड ओव्यूल जो है ट्रांसफॉर्म होता है सीड में एंड लूज वाटर

चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं चैज्मोगस फ्लावर्स प्रोड्यूस एश्योर सीड से ठीक है चैजमोगेमस फ्लावर्स डू नॉट ओपन एट ऑल तो अगर हम बात करें चैसमोग चैज्मोग फ्लावर्स वो फ्लावर होते हैं जो कि खुलते हैं ठीक है इसमें वो क्लिस्टोग्रेमस फ्लावर कभी नहीं खुलते हैं ये याद रखना चश्मो फ्लावर हमेशा ओपन रहते हैं एंड क्लिस्टो क्लिस्टोगेमिस्ट जो फ्लावर होते हैं वो कभी नहीं खुलते हैं तो इसमें दोनों ही गलत है राइट इसका दोनों ही गलत है इसका ऑप्शन होगा डी बोथ असर्शन एंड रीज़न आ फॉल्स चलिए आगे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट जनरली ईच स्पोरोजिनिस सेल्स इज अ पोटेंशियल पॉलन ऑफ अ माइक्रोस्पोर मदर सेल राइट ईच ऑफ सेल ऑफ द स्पोरजीनिस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर सो ये दोनों ही सही है अगर हम स्पोरजिनस की बात करें तो स्पोरोजिनिस जो टिश्यू है वो माइक्रोस्पोर टेट्राड देते हैं और स्पोरोजिनिस सेल्स जो होते हैं वो पोटेंशियल पोलन पोलन ऑफ ए माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होता है तो बोथ एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अशोर्सन ठीक है आगे बढ़ते हैं हम पेरिसपम इज रेसिड्यूल एंडोस्पॉम प्रेजेंट इन दीडी आप ये देखना है पेरिस्पम बार बार क्वेश्चन आ रहा है तो इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पेरिस्पाम क्या होता है पोसिस्टेंट न्यूसेलस होता है इसे रेसिड्यूल एंडोस्पाम प्रेजेंट इन द सीड एक्सप्लेनेशन है इसका और एंडोस्पाम इज डेवलप्ड फ्रॉम एंटीपोडल सेल्स ऑफ द एम्रियोस राइट तो एक तो ये पहले बता दूँ ये रेसिडुअल एंडोस्पाम नहीं होता है पेरिस्पर्म पेरिस्पर्म होता है परसिस्टेंट न्यूसिलस या फिर रेमिनेंट्स ऑफ ये रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसिलस डैट इज नोन एज द पेरिस्पाम ठीक है और एंटो एंडोस्फॉम जो है एंटीपोटल सेल से डेवलप नहीं होता तो इसमें ये ये जो है डी ऑप्शन इज करेक्ट राइट चलिए आगे क्वेश्चन कर लेते हैं जीटिनोगेमी इन्वॉल्विंग अ पोलिनेटिंग एजेंट राइट जेनेटिकली जेनेटोगेमी इज सिमिलर टू ऑटोगेमी तो इसमें असर्सन और रीजन दोनों ही ट्रू है बट रीज़न इज़ नॉट correct explanation वैसे मैं बता दूँ जिटनोगैमी क्या होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रीन फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर ऑफ़ द सेम प्लांट दैट इज नोन एज जिटनो गैमी तो ये ऑटोगेमी की तरह ही है लेकिन जो क्या बोलते हैं इसमें डिफरेंट uh, फ्लावर पे होता है तो इस चैप्टर के बस इतने ही क्वेश्चन हैं ये जो इंपॉर्टेंट थे मैंने ढूंढ के निकाला अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए एंड मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आप तक ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहुँच पाए थैंक यू सो मच